अबे मैंने रेवेन्यू का उदाहरण दिया, क्यों नहीं होना चाहिए? शामिल खाता तो बटना क्यों नहीं चाहिए? अलग अलग योजनाएं मैं गिनाऊंगा, घंटों लगेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। मेरे अधिकारी साथी हैं, सबको पता है, सबका लाभ निश्चित समय सीमा में देके पेंडेंसी खत्म करना है। सीएम हेल्पलाइन पे अब हर महीने मॉनिटरिंग होगी इसकी। बीच में हम लोग कोविड में लग गए थे और जन सुनवाई हम लोग मंगलवार को करते रहे हैं, तो कल से ही जन सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी 11 से 12। कमिश्नर कलेक्टर सहित बाकी विभागों के अधिकारी भी अपने अपने कार्यालय में जनता से मिलेंगे, शिकायतें सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे। और जन सुनवाई से निराकरण की भी हम लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। ये नहीं कि आवेदन रख लिया और कुछ हो ही नहीं रहा है, जिनमें हो सकता है तत्काल काम होना चाहिए। और फिर वैसे ही समाधान एक दिन योजना हमारी, जिसमें चिन्हित सेवाएं सवेरे आवेदन दे, शाम को होके उसके हाथ में पहुंच जाए। समाधान एक दिन, वन डे गवर्नेंस हम लोगों ने कहा इसको, इसको हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो बल्लभ भवन में बैठे हुए अधिकारी हैं, हितग्राहियों का डेटा पूरा चाहिए मुझे, कंपाइल ढंग से कर लें। हितग्राही, उनके टेलीफोन नंबर, उनका पता, ये परफेक्ट चाहिए ताकि क्रॉस चेक करके भी योजना का लाभ मिला नहीं मिला उनसे संवाद किया जा सके। और डेटा तो सबसे बड़ी ताकत है हमारी, आज अगर वो हमारे पास है तो हम आकलन ठीक कर सकते हैं। इसलिए डेटा पूरा चाहिए। और सुराज का ये एक मतलब है, काम विकास के गुणवत्ता के साथ पूरा हो ये देखना जिले की ड्यूटी है। घटिया काम नहीं चलेंगे। मैं अभी कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन भोपाल की स्मार्ट रोड के बारे में छपा हुआ है आज, ये चीजें देखनी चाहिए हमको कि पैसा लगा तो गुणवत्ता 100% कैसे परफेक्ट हो। बल्लभ भवन, इसमें विभाग को और जिले को तालमेल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी कीमत पर सहन या स्वीकार्य नहीं होगा कि काम घटिया हो या समय पे काम पूरा ना हो, हमारे कारण कोई काम दे लो। कई चीजें कलेक्टर को करनी पड़ती है या जिले को करनी पड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में काफी तेजी आई है, लैंड एक्विजिशन जैसे मामलों में, लेकिन चीजें डिले ना हो, समय पर, गुणवत्तापूर्ण। और इसलिए कलेक्टर खुद बड़े कामों की मॉनिटरिंग खुद करें भाई, वो देखना उनकी ड्यूटी है। विशेषकर शिवपुर, मुरैना, भिंड, ये अटल प्रगति पथ, अटल एक्सप्रेसवे का नाम मैंने अटल प्रगति पथ कर दिया, उसमें जो जमीन चाहिए सीएस आपके संपर्क में है, उसको जल्दी उपलब्ध कराना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जल्दी चीजें हो, डिले ना होनी हमारे कारण चीजों में देर लगे। और फिर इसके साथ कल ही हमने परसों रघुनाथ साह जी, शंकर साह जी के बलिदान दिवस पर अपने जनजातीय समाज के लिए, ट्राइबल्स भाई और बहनों के लिए आपके सामने योजना आई, राशन आपके द्वार। राशन उनके गांव में जाएगा, एक दिन की मजदूरी मारी जाती है, वो दूर लेने जाते हैं, तो वो पूरी योजना के बारे में अभी नहीं बता रहा। सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार, देवारण्य योजना, पेशा कानून की भावना के अनुरूप वनों का प्रबंधन,
अभी अनूपपुर जिले में काफी अच्छा काम हुआ है, मैं एसपी अनूपपुर को बधाई दूंगा। पास पता नहीं ऋण पुस्तिका क्या क्या रख के रखी थी, उस रैकेट को जो तोड़ा है अनूपपुर जिले ने, और शेड्यूल ने भी किया। ये इंफॉर्मेशन जितनी मुझे मिल गई वो मेरे पास ये सब आनी चाहिए अच्छे लोगों के। अब ये शोषण हम नहीं होने दे सकते गरीब आदमी का। भाई थोड़ा सा पैसा ऊंचे ब्याज की दरों पर दे दिया और ब्याज वसूले जा रहे हैं। उनके सारे ऐसे पेपर्स रख लिए जिनसे उनको योजनाओं का लाभ मिलता है, ये बिल्कुल सहन नहीं होगा। ये चाहे जनजाति हो या बाकी गरीब भी हो, जनजाति के लिए तो कानून बना ही दिया हम लोगों ने और कड़ा। सिकल सेल एनीमिया से बचाओ का अभियान चलाने का फैसला किया है। शिक्षा में गुणवत्ता का विषय है, कौशल विकास जनजातीय क्षेत्रों में 1,00,000 के पदों पर भर्ती हो या मछली मुर्गी बकरी पालन हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, एक नहीं अनेकों चीजें। आज मैं अभी केवल उल्लेख कर रहा हूं, उन पर भी हमको ध्यान देना है। एक एक योजना पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब पूरी तरह से फुल फॉर्म में हमको आना है। 27 तारीख में फिर कह रहा हूं वैक्सीनेशन का महाअभियान अभी प्रारंभ करें। 27 को हम फर्स्ट डोज कंप्लीट कर ही लेंगे। कुछ जगह मुझे कलेक्टर्स ने यह कहा है कि एक सीमा के बाद कई लोग मिल नहीं रहे, वो उनकी बात जायज है, अगर है ही नहीं वहां, कहीं बाहर के राज्य में काम करने गए हैं, तो आप सूची बना लीजिए और वेरीफाई करके भेज दीजिए कि 5,000 नहीं मिल रहे, 10,000 नहीं मिल रहे, तो वो हम मानेंगे। इसका एक सिस्टम बना दें, क्योंकि आप मिल ही नहीं रहे तो क्या करेंगे। भोपाल में अगर 40,000-48,000 नहीं मिल रहे तो आप क्या करेंगे उनको, तो वो निर्देश बना दे कि ये चीज अगर है तो इसको 100% हम अब वैक्सीनेशन मानेंगे। लेकिन 27 तारीख को 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा करना है, महा अभी फर्स्ट डोज का मैं कह रहा हूं, और दिसंबर में हमको सेकेंड डोज पूरा करना है। अब डोजेज की कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में डोजेज प्रधानमंत्री जी भारत सरकार हमको उपलब्ध करा रही है। अभी से आप सूची तैयार कर लें, किस गांव में किस शहर में कितने लोग बच गए, डोर टू डोर संपर्क करना पड़ेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को एक्टिव करें, सांसद विधायक साथियों के साथ बैठे, प्रभारी मंत्री एक बार आपके साथ चर्चा करेंगे, और पूरे समाज को लगा दें कि भाई जिस गांव में बचे ढूंढ ढूंढ के ले आओ, इसको एक खत्म करें फर्स्ट डोज। यही रामबाण है कोविड से सुरक्षा का। और अंत में हम अब विषयों पर चर्चा करेंगे, डेंगू से बचाओ, भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है, इसका भी कोई वेरिएंट है डेंगू का, कुछ वेरिएंट D2 है कौन सा है, और हम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, वो पानी में ही पनपता है लार्वा। तो ये अभियान हमको चलाना पड़ेगा, जिला प्रशासन को यहां से हेल्थ मेडिकल एजुकेशन कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि प्लेटलेट्स कम होते हैं तो जिंदगी पे बनाती है। अब प्लेटलेट्स के किट्स और बाकी चीजें, एक तरफ दवाइयों का इंतजाम, दूसरी तरफ लार्वा को खत्म करने का अभियान, उसके लिए गड्ढों में दवाई डालना हो, मछली डालना हो, फॉगिंग करना हो, हम बीमारी को फैलने नहीं दे सकते, इसलिए उसमें भी जुटना है। एक बार अच्छे काम के लिए बधाई देते हुए और फिर ये कहते हुए कि पूरी तरह से गड़बड़ को समाप्त करके चैन की सांस लेना अगर कहीं है तो। जैसे कल मैं फिर पंधाना जन दर्शन के कार्यक्रम को भी करूंगा, तो अब ये चीजें कहीं मिली तो ठीक नहीं होगा। हमारे पास समय है, हम समय सीमा में करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस हमारी नीति है, गड़बड़ करने वाले को क्रश कर दें और अपने प्रदेश को जनकल्याण और स्वराज के मामले में एक मॉडल बना के हम खड़ा कर दें। मैं समझता हूं कि गवर्नेंस के 20 साल पूरे करने पे का उपयोग प्रधानमंत्री जी का हम इस रूप में करें कि हम स्वराज कैसे देंगे। आगे चर्चा एक एक विषय की अभी सीएस
प्रारंभ करेंगे, मैं बीच बीच में बोलूंगा। तो पहले लाइन ऑर्डर नहीं, पहले वो है हमारा जनसंपर्क, तो जनसंपर्क से शुरू होगा।